साथियों, भारत में पहली इंटरस्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद साल 2014 तक यानी 27 साल में देश में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। ये काम अगले 5-6 वर्षों में पूरे होने का लक्ष्य है। यानी जितना काम 27 वर्षों में हुआ, हम उससे ज्यादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। काम करने की यही रफ्तार आज भारत की पहचान बन रही है। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होता था। बीते 7 वर्षों में हमने 9,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। कहां 19 और कहां 7,000। 2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ 3,000 किलोमीटर रेलवे का बिजलीकरण हुआ था। बीते 7 वर्षों में हमने 24,000 किलोमीटर से भी अधिक रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया। कहां 3,000, कहां 24,000। 2014 के पहले लगभग 250 किलोमीटर ट्रैक पर ही मेट्रो चल रही थी। आज 700 किलोमीटर तक मेट्रो का विस्तार हो चुका है और 1,000 किलोमीटर नए मेट्रो रूट पर काम चल रहा है। 2014 के पहले 5 सालों में सिर्फ 60 पंचायतों को ही 60 पंचायतों को ही ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा सका था। बीते 7 वर्षों में हमने 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया है। कनेक्टिविटी के पारंपरिक माध्यमों के विस्तार के साथ साथ इनलैंड वॉटरवेज और सी प्लेन्स नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश को मिल रहा है। 2024 तक देश में सिर्फ 5 वॉटरवे थे, आज देश में 13 वॉटरवेज काम कर रहे हैं। 2014 से पहले हमारे पोर्ट्स पर वेसल टर्न अराउंड टाइम 41 घंटे से भी ज्यादा था। अब ये घटकर 27 घंटे रह गया है। इसे और कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथियों, कनेक्टिविटी के अलावा जरूरी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को भी नई रफ्तार दी गई है। बिजली की प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसमिशन के पूरे नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म किया गया है। वन नेशन वन पावर ग्रिड का संकल्प सिद्ध हो चुका है। 2014 तक देश में जहां 3 लाख सर्किट किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स थी, वहीं आज ये बढ़कर 4.25 लाख सर्किट किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुकी है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में जहां हम बहुत ही मार्जिनल प्लेयर थे, वहीं आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच चुके हैं। 2014 के इंस्टॉल कैपेसिटी से करीब करीब 3 गुना कैपेसिटी यानी 100 गीगावाट से ज्यादा भारत हासिल कर चुका है।